हाय गाइस, कैसे हो सब? आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है मेरे इस चैनल में। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो प्लांट लेकर आई हूँ, बहुत खूबसूरत प्यारा सा प्लांट है और ये तपती तेज़ धूप में भी अपना खूबसूरती, अपने रंग बिखेरने वाला ये प्लांट है। और इस प्लांट का नेम है, देख लीजिए आप भी, ये देखो खूबसूरत पत्तियों वाला क्लेडियम। जी हाँ, आज हम इसी खूबसूरत सी पत्तियों वाले प्लांट के बारे में बात करेंगे, जो तपती तेज़ धूप में भी अपनी जो खूबसूरती है वो बिखेरता रहता है, और इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो न्यू प्लांट्स के बारे में आपको जानकारी जो है टाइम टू टाइम मिलती रहे। और डियर फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं इस खूबसूरत से प्लांट के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हो, ये एक बहुत ही प्यारा जो प्लांट है, इसकी जो लीव्स हैं वो एरो हेड की तरह है, और इसके ऊपर जो इसका वेनेशन है, वेंस का जो देखो अरेंजमेंट है वो कितना अच्छा है, और इसकी जो वेंस हैं वो कलरफुल हैं, देखो कितना अच्छा लग रहा है। कम्बिनेशन, कलर कम्बिनेशन देखो कितना ब्यूटीफुल है। और इसकी ये जो मैच्योर, ये आप देख रहे थे जो छोटी वाली पत्तियां हैं जो न्यू ग्रो की हैं, और ये इसका मैच्योर लीव है जिसके ऊपर आपको ये वाइट पैचेस भी नज़र आ रहे हैं। तो प्यूरी जो मैच्योरिटी पर इसके ऊपर वो वाइट पैचेस भी नज़र आते हैं, यंग लीव के ऊपर आपको अभी पैचेस नहीं दिखाई दे रही है। तो डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही देखने में खूबसूरत प्लांट है। और चलिए बात करते हैं इसकी केयर की। तो डियर फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही सेंसिटिव प्लांट है और इसे केयर की बहुत ज़रूरत है। और सबसे पहले जो इसका जो सनलाइट रिक्वायरमेंट का है, डियर फ्रेंड्स, ये गर्मी का पौधा है, समर सीज़न में ये अच्छा रंग बिखेरता है। और इसे जो है आप मॉर्निंग की जो है वो एक दो घंटे की धूप अगर आप दिखा दें, अगर मॉर्निंग की एक दो घंटे की, चाहे इवनिंग की एक दो घंटे की जो सनलाइट है वो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। टोटली शेडेड एरिया में इसे आप ना रखें। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप इसे टोटली शेडेड एरिया में रखोगे तो भी इसका जो कलर है वो इतना निखर के नहीं आएगा, तो थोड़ी धूप इसे ज़रूर दिखानी चाहिए। लेकिन पूरा दिन आप इसे ज़्यादा टाइम अगर सनलाइट में रखोगे तो भी इसके जो कलर्स हैं वो इतने अच्छे निखर के नहीं आएंगे। तो इसका सनलाइट का बहुत ख्याल रखना होगा डियर फ्रेंड्स आपको। और अगर बात करें इसकी वाटरिंग की, तो ये मॉइस्चर लविंग प्लांट है डियर फ्रेंड्स, इसे मॉइस्चर बहुत पसंद है। तो इसकी जो सॉइल है वो मॉइस्ट रखनी चाहिए आपको। तो जो इसका पॉट है वो वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, कि जो इसका जो वाटर है यहाँ पे खड़ा ना हो। तो वाटरिंग इसकी तभी करें जब इसका जो टॉप सॉइल है वो ड्राई हो, तभी इसे वाटरिंग करें। तो ये तो था वाटरिंग और सनलाइट के बारे में डियर फ्रेंड्स। और इसके अलावा जो है इसकी पत्तियों की खूबसूरती बनाने के लिए, इसके ऊपर अगर डस्ट आ जाता है तो इसे आप पानी से साफ़ ज़रूर करें, ताकि जो इसके जो स्टोमेटा हैं वो एक्टिव रहें और इसमें जो गैसेस का एक्सचेंज है वो अच्छी तरह से होता रहे। जो साइंस स्टूडेंट हैं वो तो इस चीज़ को अच्छी तरह समझते हैं कि लीव्स में स्टोमेटा होते हैं और वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं। तो ये इसके लिए जो इसका जो डस्ट होती है इसके प्लांट के ऊपर, लीफ के ऊपर, उसे हटाना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो भी आप ऐसे करते रहें। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप बात करें इसके प्रोपेगेशन की, तो ये एक बल्ब, इसके लिए जो रूट के नीचे बल्ब्स होते हैं, और बल्ब से ही न्यू प्लांट जो है ग्रो करता है। और जो ड्यूरिंग जो है विंटर सीज़न, ये प्लांट जो है डॉर्मेंसी में चला जाता है। इसकी खूबसूरत पत्तियां आप नहीं देख पाओगे ड्यूरिंग विंटर सीज़न। तो क्या होता है कि ये सारी पत्तियां जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं। तो सिंपली इस पॉट में क्या रह जाएगा, इसके बल्ब रह जाते हैं।
तो आफ्टर जो है विंटर सीजन ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन जो बल्ब होते हैं अगेन दे ग्रो अप एंड टू न्यू प्लांट, और नया प्लांट जो है डेवलप कर जाता है। अगर आप चाहें तो इसके जो बल्ब हैं उन्हें निकाल के पॉट से उसे अच्छी तरह पानी से साफ करके कोई फंगीसाइड लगा के आप उसे प्रिजर्व भी कर सकते हैं नेक्स्ट सीजन के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे मैंने बोला कि ये समर का प्लांट है तो समर में अपना रंग अपनी खूबसूरती बिखेरता है, तो ड्यूरिंग विंटर आपको ये इसके खूबसूरत पत्तियाँ देखने को नहीं मिलेंगी। तो डियर फ्रेंड्स, ये तो था इसका प्रोपेगेशन के बारे में, इसकी जो केयर के बारे में मैंने सभी चीज़ें आपको बता दी हैं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग, इस खूबसूरत से प्लांट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और मेरे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो लाइक और शेयर ज़रूर करें डियर फ्रेंड्स। डियर फ्रेंड्स, ओके, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।